हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप पूरा वीडियो देखेगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा आपके एग्जाम में जो मैंने प्रैक्टिस कराया है उससे बाहर होगा। और जो भी मैंने 79 वीडियोज TIA2 में प्रैक्टिस कराया है, उन सबको इंग्लिश हिंदी दोनों में है और प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा रही हूँ उसको भी देखिए, ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नतर तथा उच्चतर प्राणियों में व्यवहार के विशिष्ट रूप की जन्मजात प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन TIA2 में पूछा हुआ था दोस्तों। तो जन्मजात शब्द आते ही आपको हमेशा जाना है मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने, इसको भी याद रखिएगा। तो जो मूल प्रवृत्ति होता है, जैसे कि भूख प्यास लगना, ये मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। और दुख सुख और रोना, ये सब मूल प्रवृत्ति है। ये आप कोशिश करके भी इसको आप हटा नहीं सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, खेलकूद में संवेग के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो इसका सर्वोत्तम विधि है उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन। इसका होता है सर्वश्रेष्ठ की ओर जाना। और एक क्वेश्चन आया था कि संवेग किस शब्द से निकला हुआ है, तो मुअर शब्द से निकला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रॉक्सिमो डिस्टल समीपस्थ दूरस्थ वर्धन का अर्थ है। दोस्तों, विकास की दो अवस्थाएं होती है, एक प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ जो केंद्र से बाहर की ओर होता है, और दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डल जो मस्तिष्क से शरीर के अंगों मस्तिष्क से नीचे की ओर होता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वह केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, यानी कि सुषुम्ना से बाहर की ओर विकास। और दूसरा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पर, कि शीर्ष पुच्छीय यानी सेफेलोकॉर्डल वर्धन का अर्थ है। सेफेलोकॉर्डल का अर्थ है कि मस्तिष्क से नीचे की ओर, ठीक है, वर्धन यानी विकास जो है मस्तिष्क से नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कि खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया था। तो सरपल्स एनर्जी थ्योरी यानी कि अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत दिया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। इस ऑप्शन में नहीं दिया है तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दिया था खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत यानी कि सरपल्स एनर्जी थ्योरी। एंड एंटीसिपेटरी थ्योरी, भविष्यदर्शी धारणा जिसे पूर्वानुमानित धारणा भी कहते हैं, पूर्वाभ्यास व तत्परता के नाम से भी जाना जाता है, उसको कार्ल ग्रुस ने दिया था। एंड मनोरंजनात्मक धारणा, रिक्रिएशनल थ्योरी दिया था लॉर्ड केम्स एंड GW पैट्रिक। एंड पुनः अवलोकन धारणा यानी कि रिकैपिचुलेटरी थ्योरी दिया था GH Stanley Hall ने, यानी कि इसमें पूर्व अनुभव को पुनः अनुभव करना होता है। एंड मनोविश्लेषण धारणा यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी दिया था सिगमंड फ्रायर ने। विरेचन यानी रेचन विरेचन सिद्धांत मनोभावों का धारणा या कैथेटिक थ्योरी दिया था अरस्तु ने। सामाजिक धारणा, सोशल थ्योरी दिया था अरस्तु ने। खेल ही जीवन है कि धारणा, प्लेज लाइफ थ्योरी दिया था जॉन डीवी ने। एंड सहज प्रवृत्ति धारा जो इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी विलियम मैकडूगल ने दिया था, यानी कि इसमें बताया है कि हमारी सहज प्रवृत्ति किसी क्रिया के लिए प्राथमिक अभिप्रेरणा का काम करती है। एंड संज्ञानात्मक धारा, कॉग्निटिव थ्योरी दिया है जीन फियाजे ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि सीखने के नियम किसने प्रस्तुत किया। तो आप सबको पता है सीखने के नियम प्रस्तुत किए हैं थार्नडाइक ने। दोस्तों, सीखने के नियम के अंतर्गत मुख्य नियम और गौण नियम दिए हैं, जिसमें से उन्होंने सीखने के तीन मुख्य नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी आप रेडी हैं कि नहीं। तैयारी का नियम माइंडसेट का नियम भी कहते हैं, जिसमें जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में जैसे कोई क्रिया करने से पहले गरमाना यानी कि वार्मिंग अप किया जाता है, वो एक रेडी करने का तरीका है। दूसरा इन्होंने दिया मुख्य नियम के अंतर्गत लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, जिसे अभ्यास उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। और तीसरा इन्होंने नियम दिया प्रभाव का नियम, जिसे संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो थार्नडाइक का ने ही सबसे पहले सीखने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके सीखने का सिद्धांत का नाम है ट्रायल एंड इरर थ्योरी, प्रयास एंड त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड इरर थ्योरी। नेक्स्ट है दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा का अभिप्रेरणा किसका समानार्थक है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है वह किसका समानार्थक है, तो यह सिर्फ बायोफीडबैक सिद्धांत का
सिद्धांत समानार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ में अपवर्धित निष्पादन किंतु क्रमिक विकास का संकेत किसके द्वारा मिलता है। दोस्तों ये सीखने के वक्र से पूछा गया है। जैसे कि सीखने के वक्र तीन प्रकार का होता है, ऋणात्मक प्रगति सूचक जिसे नेगेटिव एक्सेलरेटेड या कॉन्वेक्स यानी उत्तरोधर वक्र कहते हैं, जिसमें आरंभ में सीखने की संबंधित गति तीव्र होती है, बाद में मंद होती है। जहाँ कार्य पहले से सीखा हुआ होता है वहाँ भी ऐसा होता है। दूसरा होता है धनात्मक प्रगति सूचक वक्र यानी पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व, जो अवतल आकृति बनाता है, जिसमें आरंभ में सीखने की गति मंद होती है, बाद में तीव्र होती है। यहाँ पे जो धीरे धीरे सीखने वाले व्यक्ति की सीखने की प्रगति बढ़ती जाती है, यानी इसमें प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा वृद्धि होती है। तीसरा होता है मिश्रित वक्र यानी कम्बिनेशन कर्व, जो सी टाइप होता है लेकिन देखने में यश जैसा दिखता है, यानी कि वह प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखी जाने वाली क्रिया और सीखने संबंधी वातावरण की प्रकृति पर आधार पर घटता और बढ़ता रहता है, किसी भी प्रकार का शक ले सकता है यश टाइप में। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि आरंभ में जो है अपवर्धित यानी कि जो सीखने की आरंभ में मंद है गति और बाद में क्रमिक विकास हो रहा है, तो इस प्रकार का कौन सा वक्र बनेगा। तो इसमें दोस्तों नतोदर ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा? आरंभ में मंद है यानी कि अब बाद में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे होगा धनात्मक प्रगति सूचक वक्र यानी कि कॉनकेव अवतल यानी कि ऊर्ध्वाधर ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा? इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है, यानी आरंभ में कम है अब बाद में बढ़ रहा है। नेक्स्ट वहीं पे अगला क्वेश्चन है कि आरंभ में संवर्धित निष्पादन लेकिन बाद में क्रमिक ह्रास का संकेत है, यानी कि आरंभ में सीखने की जो गति है वह तीव्र है अब बाद में ह्रास है, तो इसमें किस प्रकार का वक्र बनेगा? दोस्तों इसमें वक्र बनेगा इस प्रकार का, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का वक्र बनेगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। कैसा बनेगा? ऊर्ध्वाधर वक्र, ये आपका ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ग्राफ यानी कि कॉनकेव उत्तल जो है वह ग्राफ बनेगा। इसमें आरंभ में तीव्र होगा सीखने की गति और बाद में मंद होगा, और जिसमें घटता बढ़ता है किसी भी शक्ल ले सकता है, वो होगा मिश्रित वक्र यानी कम्बिनेशन कर्व। और दोस्तों एक समय ऐसा भी आता है कि सीखने के वक्र में पठार जो जिसे कहते हैं, सीखने में पठार लर्निंग इन प्लेटू, सीखने के वक्र के पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, दिखाई देती है, कुछ समय के लिए रुकी हुई दिखाई पड़ती है। वक्र की रेखा नीचे या ऊपर न जाकर सीधे सपाट हो जाती है, तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण ग्राफ में आरंभिक अत्यधिक वृद्धि त्वरित प्रगति का संकेत है। शिक्षण ग्राफ में आरंभिक अत्यधिक वृद्धि जो होती है वह त्वरित प्रगति का संकेत है, और उसका तकनीकी नाम क्या है? तो उसका तकनीकी नाम है इनिशियल स्पॉट यानी आरंभिक झोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा बच्चों में किस प्रकार की अभिप्रेरणा लागू नहीं होती है। तो दोस्तों युवा बच्चों में वाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा ये सब लागू होता है, बट मूलभूत अभिप्रेरणा इसमें लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है सीखने का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था। तो थॉर्नडाइक ने दिया था, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बचपन में व्यक्ति का व्यवहार किससे सर्वाधिक प्रभावित होता है। दोस्तों तो बचपन में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित परिवार से होता है। नेक्स्ट है खिलाड़ियों में कुंठा का क्या कारण है। दोस्तों खिलाड़ियों में कुंठा का कारण है आमतौर पर आकांक्षा और योग्यता के बेमेल स्तर का कारण, यानी आकांक्षा योग्यता में वो कम्बिनेशन नहीं बैठा पाते, तो वो कुंठा का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है कि 9 से 11 वर्षों तक संवर्धन और वृद्धि की अवधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको परवर्ती बचपन यानी कि प्यूबर्टी ईयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों खेल प्रतियोगिताओं में निरंतर निष्पादन का कारण क्या है। खेल प्रतियोगिता में निरंतर यानी कि अच्छा निष्पादन न करने का क्या कारण है। तो उसका कारण है चिंता, यानी मीडियम चिंता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण क्या है। इसका कारण है हेरिडिटी एंड
एनवायरमेंट यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है एक व्यक्तित्व की विभिन्नताओं में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक शिक्षण का एक नाम यह भी है, ज्ञान किसमें होगा, जब मानसिक शिक्षण होगा तो ज्ञानात्मक शिक्षण का मानसिक शिक्षण भी दूसरा नाम है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्ति अभिरुचि लेते हैं, तो दोस्तों अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अपने में ज्यादा रुचि लेते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्ब्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इसमें बांटा है कार्ल जुंग ने, जबकि एक्सट्रोवर्ट जो है वो ज्यादा सामाजिक होते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किससे प्रभावित होता है, दोस्तों किशोरावस्था में बचपन में यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो परिवार से ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन किशोरावस्था में वो समकक्ष समूह अपने मित्रों से ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, एकाग्रता संकीर्तन भाग है, तो दोस्तों ध्यान का भाग है, किसका है, ध्यान का भाग है एकाग्रता, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन यानी कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी किसने दिया था दोस्तों, तो इसको दिया था पावलोव ने, कंडीशंस यानी कि जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है, तो दोस्तों गति बोधक ज्ञान के द्वारा जो व्यक्तिगत फीडबैक होता है ज्यादा प्रभावशाली होता है, सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट है, समवर्ती फीडबैक नवसिखिया को दिया जाता है, तो समवर्ती फीडबैक होता है वो नवसिखिया को दिया जाता है कार्यशीलता के दौरान, ठीक है, समवर्ती फीडबैक कार्यशीलता के दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उपलब्धि उत्प्रेरणा का संबंध है, तो उपलब्धि उत्प्रेरणा का संबंध है व्यक्ति की आवश्यकता से, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया को दी जाती है, दोस्तों टर्मिनल फीडबैक हमेशा कार्यशीलता के पश्चात दिया जाता है, एंड जो समीपस्थ फीडबैक होता है वो कार्यशीलता के दौरान दिया जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रभाव का नियम किसने दिया दोस्तों, तो थॉर्नडाइक ने दिया, इन्होंने तीन मुख्य नियम दिया है, तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या संतोष असंतोष का नियम भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, किसकी आबादी का मनोवैज्ञानिक सामान्य तौर पर अध्ययन करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक जो है ज्यादातर कुत्ते, बिल्ली एंड कबूतर, चूहों आदि पर प्रयोग किए हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है, तो जो है किसी ने चिंपैंजी पर किया है, तो किसी ने कुत्ते पर किया है, तो यहाँ पे लेकिन इसका सही आंसर दिया हुआ है कबूतरों और चूहों का। मनोवैज्ञानिक जो है वो आबादी का मनोवैज्ञानिक सामान्य तौर पर अध्ययन करते हैं, तो कबूतरों और चूहों का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान आज किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दोस्तों मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान, यानी वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था दोस्तों कि मनोविज्ञान का जनक जो है विलियम उंट को माना जाता है, किसको, विलियम उंट को, एक आपके बीपीएससी टीआई 2 में पूछा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ भी पूछा हुआ था कि देखिए मनोविज्ञान के जनक जो है वो विलियम उंट है, और इस प्रकार से पूछा गया था कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक किस कौन है, तो विलियम उंट ही है, चाहे मनोविज्ञान के पिता पूछे तो भी विलियम उंट, प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता पूछे तो भी विलियम उंट होगा, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता अगर पूछेगा तो विलियम जेम्स होगा, खेल मनोविज्ञान के पिता कोलमैन ग्रिफिथ है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक है, व्यवहारवाद के जन्मदाता है वाटसन, ठीक है, याद रखिएगा। एंड कोलेस्थेनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किया था प्लेटो ने, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम उंट ने 1879 में जर्मनी के लीपजिग शहर में स्थापित किया था, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की थी 1890 में विलियम जेम्स ने, पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। एंड याद रखिएगा, शिक्षा में खेल
के खेल के जनक माना जाता है। खेल विधि का कार्ल विलकुक को एंड किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली खेल विधि के जन्म जाता है फ्राविल। एंड बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम किया अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया IQ बराबर MA बटा CA गुणे 100 टर्मन ने। योजना विधि प्रयोजना विधि के जनक है किलपैट्रिक। कर के सीखने का सिद्धांत के प्रचदर है प्रयोगवाद के समर्थक जॉन डीवी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गेंद को कैच करने में आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है। तो दोस्तों आपके मस्तिष्क से मांसपेशियों को सिग्नल आता है, ठीक है। उसके बाद हाथ जो है आपको पुस्तक उठाना है तो पुस्तक उठाएगा, आपको दिमाग जो है वो सिग्नल देगा। तो सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स दो प्रकार के होते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं संदेशों को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह ले जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि संवेदी न्यूरॉन जो होता है मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क से विश्लेषण करने के बाद जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वह हमारे अंगों तक मांसपेशियों तक जाता है। उसके अनुसार जो है वह मांसपेशियां जो है काम करती है कि हमको क्या उठाना है क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सहगामी पेशियां मस्तिष्क से अपवाही संकेत पा रही हैं। जो सहगामी पेशियां होती हैं अपवाही संकेत यानी मोटर न्यूरॉन्स उसको संकेत देता है। नेक्स्ट दोस्तों शरीर आपदा की स्थितियों के लिए सामना करो या भागो की स्थिति ग्रहण कर लेता है जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। तो कौन तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है जब हमारा जो आपदा स्थिति में कहता है सामना करो और भागो, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुसंवेदी, ठीक है। अनुसंवेदी जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसे सिंपैथेटिक अपरा सिंपैथेटिक होता है, तो सिंपैथेटिक जिस जो होता है वो आपातकालीन स्थितियों में सामना के लिए होता है, तो अनुसंवेदी उसे कहा जाएगा। और जो शांत अवस्था में होता है तो परा अनुसंवेदी यानी कि परा सिंपैथेटिक होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय।